क्या फेसबुक पे कॉपी पेस्ट करके फेसबुक से पैसे कमाया जा सकता है? अरे हाँ भाई हाँ। जी हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है कि क्या कैसे करना है, तो आप फेसबुक पे पेज पे या फेसबुक प्रोफाइल पे आप वीडियो किसी का उठा के अपने पेज पे डाल के पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पेज पे पैसा कैसे कमाना है और वीडियो किस तरह से डालना है जो उसको कॉपीराइट क्लेम हैशटैग वैशटैग बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए बस बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है करण प्रताप और आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं फेसबुक और यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बस बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको पेज पे वीडियो डालने के लिए आपको क्या चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तो अभी मैं देखता इसमें लिख लेता हूँ राउंड टू हेल, ठीक है, RUND राउंड टू हेल। जैसे इसमें लिखा राउंड टू हेल, अगर आप इसका वीडियो उठा के अपने फेसबुक पेज पे डाल लेते हैं तो क्या आपकी पेज मोनेटाइज होगा? तो देखिए, ये बंदा सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये बंदा कहीं फेसबुक पेज पे तो वीडियो नहीं डाल रहा है। अगर ये बंदा फेसबुक पेज पे वीडियो नहीं डाल रहा है तो आप इसका वीडियो आराम से चुरा कर या कॉपी करके आप पेज पे डाल सकते हैं, तो वहाँ से आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये बंदा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लिखा है कि पेज पे भी डाल रहा है, तो इसके मैं पेज पे चलता हूँ, पेज पे क्लिक किया और देख सकते हैं इसका फेसबुक पेज पे आ चुका हूँ और पेज पे ये वीडियो बराबर ये डाल रहा है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं बराबर ये वीडियो डाल रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपको यो तो बंदा स्टैक उस्टैक कुछ देगा नहीं, तो स्टैक देगा कौन, क्योंकि फेसबुक जो होता है ना, फेसबुक पकड़ लेगा जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, यार इसमें यार रियूज कंटेंट है, ये है वो है, फिर बोलेगा वीडियो उड़ाओ, खुद की मेहनत की ये वीडियो बनाओ वो बनाओ, तो वही रहेगा। तो इसीलिए आप जिस बंदे को आपको उठाना है पहले से वीडियो, तो उस बंदे का सबसे पहले क्या करना है कि पहले पेज पे देख लेना है कि उसकी वो बंदे पेज बनाया है कि नहीं बनाया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो उठा के डाल लेते हैं, मैं पेज पे नहीं डाल रहा हूँ, अब मेरे वीडियो अगर उठा के आप अपने पेज पे डाल लेते हैं डाउनलोड करके, तो उसके बाद तो मुझे तो मालूम नहीं है, आप पैसे तो आराम से कमाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको इसीलिए कोई भी पेस्ट करते हैं वीडियो, तो पहले आप पता कर लीजिएगा कि वो बंदे ने फेसबुक पेज पे वीडियो डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो जाए कि अभी मैंने मालूम नहीं है और मेरा फेसबुक मोनेटाइज होने के दौरान में मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, मेरा वो प्रॉब्लम आ गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मुझे कमेंट लॉक हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले यही आपको ट्राई करनी है, चेक करनी है कि आखिर ये बंदा जो है जिसका वीडियो मैं उठा रहा हूँ वो भले ही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। अगर हो सकता है तो उसको छोटे मोटे क्लिप व्लिप ले करके कुछ अपना भी फेस उस वीडियो में डाल के आप फेसबुक पर डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डालना है। किसी का कंटेंट उठा के जैसे कि रोन टू हेल हुआ, उसका वीडियो ले लिया, तो उसके बाद आपको भी थोड़ा सा उसमें फेस देना है, फेस देंगे तो उसके बाद आप भी वीडियो डाल सकते हैं। पूरा वीडियो तो नहीं, आपको थोड़ा सा कट करके डालना है जो उसको मैचिंग ना आए, ठीक है। वैसे तो अभी को टेक्नोलॉजी में बहुत टैलेंट है, दुनिया जो पकड़ लेता है यार किसी का रियूज कंटेंट में, टी सीरीज म्यूजिक का जैसे उठाते हैं सबसे पहले उसको मालूम चल जाते हैं। इसीलिए अगर कंटेंट किसी का उठाते हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि वो बंदा ने फेसबुक पेज पे डाला है या प्रोफाइल पे डाला है, उसके बाद आप अगर डालते हैं तो आप मत डालिएगा, फिर आप दूसरे का किसी का ट्राई कीजिएगा। तो आप सब समझ गए कि फेसबुक पेज पे किसी का वीडियो डालने से क्या आपको दिक्कत है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिर आप सबके मन में और कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इस वीडियो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय भारत।